मैं तो अमित शाह जी को इतना ही कहूँगा कि ये जो बचकाने बयान हैं ना दें तो अच्छा है, क्योंकि उनको ये नहीं मालूम कि सुप्रीम कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन क्या रहता है, उनको ये नहीं मालूम कि आर्टिकल 32 का क्या ज्यूरिसडिक्शन है, उनको ये नहीं मालूम कि कांग्रेस पार्टी वहाँ पार्टी नहीं थी उस केस में, उनको ये नहीं मालूम कि कांग्रेस पार्टी पहले ही कह चुकी है कि सुप्रीम कोर्ट इन चीज़ों में दखलंदाजी कैसे नहीं करेगा जब तक पूरी तरह से एविडेंस ना हो। एविडेंस तो JPC द्वारा होगी। अब ये बेचारे अमित शाह जी, इनको कैसे समझ आए इन बातों की, तो इसलिए ये बयान देते रहते हैं। तो मैं उनको सलाह दूंगा कि थोड़ा, मतलब कि पहले भी इन्होंने कई बयान दिए थे कि मैं 50 साल राज करूँगा, याद है कि हम 50 साल राज करेंगे। इन्होंने कहा था कि आप दूरबीन 2018 के जो रिजल्ट्स हैं, जब स्टेट्स के प्रदेशों के रिजल्ट आएंगे तो हमें दूरबीन लगानी पड़ेगी देखने के लिए कि कांग्रेस कहाँ है, तो मैं उनको दूरबीन दे देता हूँ ताकि वो लगा ले, क्योंकि उनका नज़रिया उनका नज़रिया भी थोड़ा सा गलत है और उनके बयानबाजी भी थोड़ी गलत। झूठ तो वो बोल रहे हैं, उनको मालूम ही नहीं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है क्या नहीं कहा। सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि आर्टिकल 32 के अंतर्गत हम ये सब कुछ नहीं कर सकते, तो ये तो फैसला एविडेंस के द्वारा होगा ना। हम जब उनको कटघरे में खड़ा करेंगे, प्रधानमंत्री को हम जब विटनेस बनाएंगे JPC में, तभी पता चलेगा ना कि प्रधानमंत्री ने क्यों कहा था कि मैं ऐसे 36 रफेल खरीद रहा हूँ बिना कोई बिना डिफेंस मिनिस्ट्री को बताए, बिना फॉरेन मिनिस्ट्री को बताए, बिना डसॉल्ट को बताए। ये सब तो प्रधानमंत्री जवाब देंगे ना कि क्यों कहा था। हॉलैंड का जो बयान है उसके बारे में प्रधानमंत्री जी जवाब देंगे ना, और तो नहीं, क्या कैसे, वो तो सुप्रीम कोर्ट में जवाब नहीं दे सकते ना। लेकिन क्या प्रधानमंत्री जी सुप्रीम कोर्ट में जवाब दे सकते हैं इस बात का? नहीं दे सकते। लेकिन अमित शाह कह रहे हैं कि गुमराह कर रहे हैं आप, कोर्ट के फैसले का राजनीतिकरण होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए भाई, कोर्ट का फैसला अपनी तरफ है, हम वहाँ पार्टी नहीं है। हम पहले से कह रहे हैं कि JPC होनी चाहिए। हम आज भी कहते हैं कि ये डिसऑनेस्ट डील है, हम आज भी ये बात दोहरा रहे हैं। अमित शाह ने कहा ये डिसऑनेस्ट डील है, इसमें गड़बड़ी हुई है और बहुत बड़े पैमाने में गड़बड़ी हुई है, और वो बात हम JPC के द्वारा तय करेंगे और सिद्ध करेंगे। क्या आपकी जिम्मेवारी नहीं है कि देश की जनता को सही जानकारी मिले? हाँ बिल्कुल, इसीलिए हम पूरे फैक्ट्स जनता को पहले भी बता चुके हैं, दोबारा भी बताएंगे।